चलो भाई आप लोगों को पीसी बिल्ड के बारे में एक बहुत ही मस्त चीज बताऊं जो कि हमारे मार्केट और हमारे यूट्यूब में भी चल रहा है। हमारे कुछ भाई भी हैं जो ऐसा वीडियोस बना रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है भाई 50,000 में आपको 4060 दे जा रहा हूँ भी i5 12400F के साथ। मुझे एक चीज मैं आप लोग को पहले बताना चाहता हूँ इस सब चीजों के बारे में। आप लोग को बहुत सारे लोग देखे होंगे जो 4060 दे रहे हैं 50,000 का पीसी बिल्ड में, कुछ लोग तो भाई आपको 3060 दे रहे हैं, कुछ लोग तो 6750XT भी दे दे रहेगा, 50,000 में आपको ये भी दे दूंगा। तो और लोग भी हैं कि भाई वो लोग भाई इन लोगों को व्यूज तो देंगे ही भड़ के क्योंकि उनका काम ही है, और पर दूसरा बात है भाई ऐसा बिल्ड करवा भी लेते हैं। भाई एक चीज मेरा क्लियर बात समझ लो अच्छे से, यहाँ बैठा लो 4060 या फिर 3060 या फिर कोई भी 6750XT तो छोड़ ही दो, ये सब आपको 50,000 का पीसी बिल्ड में नहीं मिलेगा। भाई मैंने इस बारे में बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, उसी को लेके मैं ये भी वीडियो आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई देखो एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, कुछ भी में कुछ भी लगा देने का मतलब पीसी बिल्ड नहीं होता है। आप खाली 4060 देखोगे, आप खाली प्रोसेसर देखोगे, बस उससे कुछ नहीं होगा। हमारे एक भाई ने पीसी बिल्ड का भी रिसेंटली वीडियो बनाया है, 50,000 में उन्होंने 4060 दे दिया, i5 12400F मदरबोर्ड कौन सा दिया जा रहा है पता है, H610, और उसमें बोला जा रहा है आप लोग i7 भी चला लोगे। भाई अब i7 उन्होंने बोला कि भाई ठीक है फिट नहीं होगा, बाद में उन्होंने रेक्टिफाई भी किया, बट ठीक है भाई उन्होंने फिर बोला i5 आप 14th generation चला लोगे। 14th generation मतलब क्या होता है, 14500F H610 में तुम 14500F चलाओगे भाई, 4060 देखिए खाली। भाई एक चीज मैं आपको क्लियर कर बता दे रहा हूँ, हम लोग के पीसी बिल्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। आप लोगों को मदरबोर्ड भी देखना पड़ेगा कौन सा आप ले रहे हो, आप लोगों को SSD देखना पड़ेगा। मैं आपको एक नॉर्मल से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, भाई सुनो ध्यान से, 27,000 का अगर मैं 4060 भी लूँ ना, और अगर मैं आपको प्रोसेसर दिलाऊँ जैसे दिलाया जा रहा है i5 12400F, ठीक है 9-10,000 में मिल जा रहा, अभी 9,000 ही पकड़ के चलता हूँ, 27,000 9,000 कितना हुआ 36,000 अप्रॉक्स पकड़ा, 36 पकड़ के चलता हूँ। मदरबोर्ड चलो मैं H610 मदरबोर्ड भी ले लूँ, 7,000 का तो अप्रॉक्स आएगा, अब यहाँ पर 7,000 ऐड कर लो कितना हो गया यहाँ पर आपका 7 मतलब वही 43-44 हो गया भाई, यहाँ पर मेरा 5-6,000 रुपया बचा है मेरे बस बिल्ड में, ठीक है तो 1-2,000 बढ़ा लो तो 7-8,000 चलो ठीक है 7-8,000 पकड़ लो। मेरे को अभी पावर सप्लाई लेना है, मेरे को अभी SSD लेना है, मेरे को अभी कैबिनेट लेना है, मेरे को अभी रैम लेना है, और मेरे को अभी अगर कूलर लोगे तो लोगे तो कोई बात नहीं स्टॉक कूलर पर चलाओ। तुमको लगता है इतना सारा चीज़ 50-8,000 रुपये के अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग खोलो यार, थोड़ा सा समझा करो चीज़ें क्या कर रही है क्या कर रही है। भाई लोग क्या कर रहे हैं 256GB का SSD लगा के दे रहा पता, मतलब भाई तुम खुद एक दिमाग से सोचो भाई, तुम 50,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हो, 50,000 का पीसी बिल्ड में तुमको 256GB का SSD लगा दो तुम्हारे बहुत अच्छा है, 4060 दे दे, अरे वो 4060 का तुम करोगे क्या मेरा भाई, जब तुम्हारे पास 256GB है गेम खेलोगे, तुम्हारा एक एक गेम भाई 100GB से 200GB आएगा, तुम्हारा तो एक गेम भी नहीं भरेगा, तुम्हारा विंडोज भी तो तुम्हारा आधा GB लेकर चल जाएगा। तुमको क्या लगता है 256GB में से पूरा SSD का 256GB तुमको मिलेगा, तुमको कम से कम 240GB अप्रॉक्स मिलेगा, उसमें भी तुम्हारा विंडोज कितना ले लेगा, 100-200GB में तुम गेम डाउनलोड करोगे, कौन सा गेम आजकल का जमाने में दिखा दो 100-200GB में तुम्हारा मस्त गेमिंग हो रहा है, और GTA 5 खेलना है तुमको, GTA 5 खेलना है पायरेटेड करके, भाई अगर GTA 5 तुमको खेलना है तो 50,000 पीसी बिल्ड क्या करवा क्यों रहे हो, तुम 30,000 बनाना तो 5600GB तुमको GTA 5 खिला के दे देगा, तुमको कम में बन जाएगा। भाई थोड़ा सा चीज़ों को समझा करो, कोई भी तुमको कोई भी कुछ भी बोल देगा ना वो चीज़ नहीं होता है, प्रैक्टिकली सोचो कि भाई बिल्ड किस तरीके से होता है। अबे भाई ऐसे करने का तो भाई मैंने भी आपको दिखाया ना, करने को तो ऐसे भी मैं 50,000 का बिल्ड में आपको 4090 दिला दूँ या 4080 दिला दूँ, मैं RX 6500XT दिला दूँ, 7800XT दिला दूँ, क्या वो चीज़ सही होता है, चीज़ों को समझा करो भाई। ये चीज़ मैं अभी देखा रिसेंटली यार, देख रहे हैं मतलब कि लोग क्या कर रहे हैं और ऑडियंस भी क्या देख रहे हैं, और ऑडियंस को क्या बोलो भाई, लोग खरीदते भी हैं भाई ऐसा बिल्ड, लोग को अच्छा भी लगता है लाइक देख के। भाई मैंने इतना वीडियो बना दिया, इतना बार में इतना बार बोल दिया, फिर भी लोगों को वही चीज़ है वही चीज़ है। भाई एक चीज़ सीधा बात है, आप कोई भी पीसी बिल्ड करो, यहाँ पर सिर्फ 4060 का बात नहीं हो रहा है, आप अगर कोई भी पीसी बिल्ड कर रहे हो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि भाई हर एक कंपोनेंट मैटर करता है पीसी बिल्ड का। अब और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ नए नए आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मदरबोर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ बोल के भाई 50,000 का बिल्ड में B450 MDS3 आपको पकड़ा दे रहे, ले लो भाई वाह मदरबोर्ड बहुत अच्छा चीज़ है, ये सस्ता मदरबोर्ड है भाई क्योंकि बजट नहीं आई। अच्छा भाई खुद ज्ञान दे रहे हो कि भाई मदरबोर्ड अच्छा है, सबसे मेन चीज़ है मदरबोर्ड बेस है मदरबोर्ड हार्ट है सुन, और खुद साला B450 लगा दे रहे हो 50,000 का बिल्ड में, क्यों B550 नहीं होगा भाई, थोड़ा ना चीज़ों को समझा करो क्या होता है नहीं होता। और एक चीज़ मैं उन लोगों के लिए बता दूँ भाई, जो लोग ये 50,000 में 4060 का में जा रहे हो और सोच रहे हो कि भाई ये पिलम को बहुत अच्छा पड़ेगा, भाई आपका पैसा बर्बाद होगा, कुछ टाइम बाद जब परफॉर्मेंस डाउन मिलेगा ना तब खुद समझना कि भाई क्या मैंने लिया तो क्या मेरे साथ हो रहा है, ठीक है
तो वो चीज ध्यान से सोच के रखना भाई। क्लियर कट एक बार बता दो, 50,000 का बिल्ड में 40-60 या 30-60 नहीं होगा मेरा भाई, बजट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 50,000 में आपको RX 6600 मिल सकता है, या फिर 30-60 भी चलो कुछ हद तक मड़ मुड़ा के मिल जाएगा, 40-60 नहीं मिलेगा, एक चीज ध्यान रखना। बाकी सब चीज़ें भी कॉम्पोनेंट भी मैटर करती हैं, जाकर बाकी वीडियो तो कारण गया मेरा सब चुटिया आपस से बाहर आओ यार, चलो बाय। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody.